नमस्कार, मैं सुमलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। शारीरिक दूरी का पालन कराने को लेकर गांव में हुआ विवाद। बता दें कि धौकलगंज बाजार में राजेंद्र पटेल के किराना की दुकान में शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ाने से मना करने व दुकानदार समेत एक अन्य को हिरासत में ले लेने के विरोध में ग्रामीण काफी उग्र हो गए और प्रदर्शन करते हुए साईपुर मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष की जीप पर उन्होंने पथराव भी किया है, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्राधिकारी बड़ा गांव मौके पर पहुंचे और किसी तरह से ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया है। बताया जा रहा है कि धौकलगंज बाजार में चौराहे पर राजेंद्र पटेल के किराना व राशन की दुकान है। इस दुकान पर राशन लेने के लिए महिलाएं आई हुई थी, जहां शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा था। इसको लेकर के चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने लगे। इस बीच ग्राम सभा सामाजिक कार्यकर्ता रमेश पटेल वहां पहुंच गए और वहां पर फिर बहस शुरू हो गई। चौकी प्रभारी मधुकर सिंह ने दुकानदार राजेंद्र पटेल व रमेश पटेल को हिरासत में ले लिया और थाने पर ले गए। जब इसकी जानकारी गांव वालों को हुई तो उन्होंने धौकलगंज पुलिस चौकी पर जा करके काफ़ी हंगामा किया और वहीं पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आज मार्केट में 1:05 पे राशन की दुकान रही मेरे बड़े भाई की। वहाँ पे सर मधुकर साहब, चौकी इंचार्ज साहब पूछते हैं गाड़ी गलौर देखे घोसड़ी के, माधर चौक दुकान बंद करो, सर बड़ी मार मारेंगे, कहे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हो। जबकि वहाँ पे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था, मात्र दो लोग थे। पिछले दो बार इनको कहा गया। तो वहाँ पे आप लोग जब ये बात कहे तो आप लोग वीडियो कोई बना रहा था कि नहीं? वीडियो सर रिकॉर्ड हुई है, सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, साहब से बात भी हुई। इसके बाद वो आते हैं, हम जब फ़ोन पर कहते हैं सर आप मेरे भाई को गाली क्यों दिया, क्या साले वो इसी से कर रहा है, क्या करोगे बताओ। हमने कहा सर ये कोई तरीका नहीं होता जिस तरह से आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहाँ हो अभी, मैं आ रहा हूँ, इस हिसाब से मैं बात कर ले रहा हूँ। तो हमने ये भी कहा कि सर मैं आपका मैसेज SP साहब तक पहुँचा रहा हूँ, तब तक मैं फ़ोन काटता हूँ और SO साहब को फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो विधिक कार्रवाई होती है मैं चौकी इंचार्ज को देखता हूँ। उतने समय में चौकी इंचार्ज महोदय आते हैं, मुझे मारते हैं, घसीट करके गाड़ी बिठाते हैं और बीच रास्ते में मुझे टॉर्चर करते हैं, कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही कहना है। लेकिन मैं सर वहाँ पहुँचा, SO साहब ने पूरी है सहायता भी है, फिर CO साहब ने कहा है। और सर यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो धौकलगंज में इन्होंने जितनी वसूली की है, जितना पैसा व्यापारियों से लिया है लॉकडाउन के नाम पे, जितना चालान किया है व्यापारियों का बीच मार्केट में, उसको ध्यान में रखते हुए मैं सभी उच्चाधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इनके खिलाफ शासन तरीके से कार्रवाई हो और ये चौकी से हट जाए। मेरा धौकलगंज मार्केट में किराने की दुकान है और हमारे दुकान पर 3 कस्टमर थे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन कर रहे थे, कम से कम 1.5-2 मीटर की दूरी पर थे। तीनों कस्टमर औरत थी, हम लोग सामान दे रहे थे, कभी कभी घड़ी के टाइम से 1:30 थे नियम। और उस समय SI और एक सिपाही आए और मेरा नाम पूरा बायोडाटा लिख कर चालान काट दिए। कितने बजे की घटना है? 1:30 और गाली देने माधव। अच्छा, दुकान कितने बजे तक आपको निर्देश है कि खोलने की दुकान? कम से कम 2 बजे तक, 7 से 2। इसके बाद लिख कर ले गए आपका नाम वगैरह? हाँ। फिर क्या हुआ? और गाली देने लगे, माता चौधरी दुकान बंद करो तुम्हारी चालान काट देंगे, ऐसे ऐसे पूरा नाम पता लिख कर लेकर चले गए। इसके बाद रमेश हमारे जो गांव के नेता युवा नेता रमेश पटेल वो आए, उनसे हमने शिकायत की और उन्होंने आए और दोनों जनों को उठाकर लेकर चले गए। उनको भी? हाँ। क्या किया आप लोगों साथ पुलिस वाले? SI साहब शिकायत करने पर रमेश को और हमारे भाई साहब को उठाकर लेकर चले गए। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज के साथ।